हेलो फ्रेंड्स, आज हम हीमोग्लोबिन के एस्टीमेशन के बारे में बात करेंगे। हीमोग्लोबिन के एस्टीमेशन के लिए हम साहिब मेथड यूज़ करते हैं, जिसके लिए आपको डिजिटल वर्ल्ड की ज़रूरत होगी, साहिली मीटर की ज़रूरत होगी, 0.1 NaCl और कॉटन स्वैब की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आप हीमोग्लोबिन क्यूब पे 2% मार्क तक 0.1 HCl को फिल कर लीजिए। 0.1 NaCl को अप टू 2% मार्क तक फिल करने के बाद आपको ये ध्यान रखना होगा कि उसमें प्रॉपरली सोल्यूबल जा चुका है। जब तक कि 2% मार्क तक वो नहीं जाता, आपको ध्यान रखना है कि 2% मार्क तक वो पहुंच जाए। इसके बाद हीमोग्लोबिन ट्यूब को साइली हीमोमीटर के दिए गए स्पेस पे आपको धीरे से जेंटली प्लेस करना है। साइली हीमोमीटर में 0.1 NaCl लेने के बाद आपको ये जो पीपेट दिख रहा है, इस पीपेट पे अप टू 20 माइक्रोलीटर तक ब्लड लेना है। ब्लड लेने के लिए आपको आपके फिंगर को स्टरलाइज करना पड़ेगा। स्टरलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं एथेनॉल स्वैप या स्प्रिट से डिबा हुआ कॉटन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अपने फिंगर को प्रिक करने के लिए के बाद आप पीपेट से कैपिलरी ट्यूब के थ्रू अपने ब्लड को 20 माइक्रोलीटर मार्क तक फिल कर लीजिए। अगर आप इस पे दिए हुए पाइप से सक करते हैं तो उसमें एयर बबल आने की पॉसिबिलिटीज़ होती है, इसलिए हम यहाँ पे आपके फिंगर से निकलने वाले ब्लड को सीधा कैपिलरी मोशन के थ्रू हीमोग्लोबिन के ट्यूब एस्टिमेशन के लिए इस दिए हुए पिपेट पे कैपिलरी मोशन के थ्रू फिल करते हैं। आप देख रहे हैं कैपिलरी मोशन के थ्रू फिंगर का ब्लड अप टू 20 माइक्रोलीटर मार्क्स तक आराम से फिल हो गया है। जब आपका ब्लड 20 माइक्रोलीटर तक फिल हो जाए तो इसके पीछे की टिप, ये देखिए ये पीछे का टिप है रबर ट्यूब, इसको हल्का सा फूंक करके आपको ये ब्लड को आपके पीपेट के सहायता से हीमोग्लोबिन ट्यूब में मिक्स करना है, जिसमें हमने पहले से ही 0.1 HCl ले रखा था। इसके बाद साथ में दिए हुए ग्लास रॉड से इसको प्रॉपरली एक फ्रिक्वेंटली इंटरवल पे चेक करना है। अब आप हीमोग्लोबिन ट्यूब को साइली हीमोमीटर में रखने के बाद उस पे ड्रॉप बाय ड्रॉप डिस्टिल वाटर ऐड करते चलेंगे। जब डिस्टिल वाटर हम ऐड करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि वाटर का ड्रॉप आपके हीमोग्लोबिन ट्यूब के साइड वॉल से जाए। साइड वॉल से डिस्टिल वाटर ऐड करने के बाद पतले वाले ग्लास रॉड से इसको विगरसली स्लोली स्लोली शेक करना है, ताकि हीमोग्लोबिन और आपका 0.1 NaCl प्रॉपरली मिक्स हो जाए। अभी आप देख सकते हैं कि इस ट्यूब में जो हीमोग्लोबिन जो कि आपके ब्लड में प्रेजेंट है और 0.1 HCl के मिक्सचर थोड़ा सा ज़्यादा डार्कर है आपके सेंटर पॉइंट के लेफ्ट एंड राइट रखे हुए इंडिकेटर से, इसलिए हमको अब डिस्टिल वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप तब तक ऐड करते हुए चलना है जब तक कि हीमोग्लोबिन जिसको हमको एस्टिमेट करना है इसका कलर आपके लेफ्ट राइट के कलर से मैच ना करे। हो सकता है इसके लिए आपको कुछ ड्रॉप एक्स्ट्रा ब्लड लेने पड़ें, बट वो सेकेंडरी मैटर है। तब तक आप सबसे पहले अपने लिए हुए ब्लड सैंपल को प्योर डिस्टिल वाटर से डाइल्यूट करते चलिए। इसको आप बीच बीच में हीमोग्लोबिन ट्यूब को बाहर निकाल सकते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। इस हीमोग्लोबिन ट्यूब के दो अलग अलग रीडिंग हैं। रीडिंग को आपको इस तरह से रखना है कि रीडिंग वाला हिस्सा आपके ऑब्जर्वेशन विंडो के पीछे तरफ हो, ताकि कलर मैच करने में हमें किसी तरह का तकलीफ ना हो। एक फ्रिक्वेंट इंटरवल में शेक करने के बाद आप पाएंगे कि आपका ब्लड का सैंपल और आपका 0.1 HCl प्रॉपरली मिक्स हो गया है। अगर मिक्स नहीं हुआ है अभी भी तो आप ग्लास रॉड की सहायता से एक दो बार और आप इसको वैग्रेसली शेक कर सकते हैं। वैग्रेसली शेक करने के बाद हम फिर से इसे साहिली हीमोमीटर के सेंटर विंडो पर रखेंगे ताकि ये कंपेयर करने के लिए आसानी से हमें दिख जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रॉप बाई ड्रॉप हम और वाटर डिस्टिल वाटर ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद हम अब धीरे से इसको ऊपर की ओर पुल करते हैं ताकि हम लाइट के प्रेजेंस में ये कंपेयर कर सकें कि हमारा हीमोग्लोबिन ट्यूब के अंदर रखा हुआ ब्लड सैंपल
आपके दिए हुए दो रेफरेंस विंडो के सेक्शन से मैच कर रहा है या नहीं। यहाँ अभी भी हमारा सैंपल दो विंडो के सैंपल से डार्क है, इसलिए हम कुछ ड्रॉप ऑफ डिस्टिल वाटर और ऐड करेंगे। डिस्टिल वाटर ऐड करने के बाद हमें थोड़ा देर वेट करना होगा ताकि ये सॉल्यूशन प्रॉपरली सोल्यूबलाइज हो सके। ये हम उसको फाइनली मिक्स करने के बाद इस शेप में आप देख सकते हैं कि हमारा जो हीमोग्लोबिन ट्यूब है वो हमारे रेफरेंस ट्यूब के कलर के साथ ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि अगर आपके पीछे बैकग्राउंड डार्क है तो आपको जो सेंटर ट्यूब हीमोग्लोबिन आपने लिया है वो डार्क दिखेगा। इसको आपको थोड़ा सा टर्न करके आपको लाइट के प्रेजेंस में ऑब्जर्व करना है। ये हमारा जो सैंपल है वो मैच किया, तो हमारी रीडिंग यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये अबाउट 13 ग्राम के आसपास आया है, मतलब 13 ग्राम अप टू 13 ग्राम डिस्टिल वाटर ऐड करने के बाद हमारा जो हीमोग्लोबिन कंटेनिंग ट्यूब था इसका कलर दिए हुए रेफरेंस से मैच किया। ये देखिए 13